तो करते हैं कि आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि जब कोई काम भी दुआ के साथ शुरू किया जाता है खुदा उसमें बरकत देता है। मिस्टर स्पर्जन जो कि इंग्लैंड का बहुत मशहूर स्पर्जन जो बहुत मशहूर पैस्टर है एंड उसको प्रिंस ऑफ प्रीचर्स भी कहते हैं, और एक दफा एक शख्स वहां पे आता है उसके चर्च में, तो बाहर उसको एक शख्स मिलता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे देखने आया हूँ कि इतनी मशहूरी क्यों है स्पर्जन के चर्च में और उसके बारे में कि यहाँ हजारों लोग आते हैं खुदा का कलाम सुनने और बरकत मिलती है। तो उसे ये नहीं पता था कि वो स्पर्जन ही था। तो वो कहता है कम विद मी, आई शो यू। अभी सर्विस शुरू नहीं हुई थी। वो उसको बेसमेंट में ले जाता है और वो देखता है कि वो बेसमेंट का पूरा हॉल जो है वो भरा हुआ है और लोग वहां पर दुआ कर रहे थे। वो कहता है कि यही मेरी कामयाबी का और खुदा की बरकत का राज है कि हम दुआ के साथ हर काम को शुरू करते हैं और लगातार वहां पर दुआ हो रही होती है। अभी मैं पिछले हफ्ते अपनी क्लीसिया को बता रहा था, मैं अभी एक स्टूडेंट कैंप पे गया हुआ था जिसमें मोस्टली नॉन क्रिश्चियन स्टूडेंट्स थे, डिफरेंट रिलीजन्स। उनको हम डायरेक्टली खुदा का कलाम नहीं सुना रहे थे, लेकिन जो हमारे स्पीकर्स थे दे वर क्रिश्चियंस एंड दे ड्यूरिंग द लीडरशिप ट्रेनिंग दैट दे वर गिविंग देम दे वर गिविंग देयर पर्सनल टेस्टिमोनीज। क्योंकि हम ओपनली नहीं थे कह सकते कि आप यसुसी को कबूल करो, बट आउटसाइड हमारे स्टाफ के कुछ तकरीबन 15-20 लोग थे जो कि लगातार दुआ कर रहे थे मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी, क्योंकि दुआ जो है वो इंसान की जिंदगी को तब्दील करती है। वी कैन नॉट चेंज एनीवन बाय आवर प्रीचिंग या जो कुछ भी हम प्रीच करते हैं। हमारा काम है बीज बोना, जिंदगियां तब्दील करना खुदावंद का काम है। और इसीलिए ये जरूरत है कि जब कोई प्रीचिंग होती है या टीचिंग होती है उसके साथ बाकायदा दुआ की जाए। और मैं आप सबों से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप ना सिर्फ अपने घर में बल्कि शख्सी तौर पर दुआ करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे की कलीसिया के लिए दुआ करें, ताकि खुदावंद की खिदमत का काम जो है वो बड़े और तरक्की करे। और हम जो कि इस कलीसिया के पासवान हैं, मैं दूसरे पासवानों से और दूसरे चर्चेस से यही तोको करता हूँ कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें ताकि हम एक दूसरे की तरक्की का बायस हों। और इन सारी चीज़ों में हम चाहते हैं कि खुदा उनका जलाल ज़ाहिर हो, क्योंकि उसी के लिए हम काम करते हैं और करते रहेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएँ, खुदा से दुआ करें। कदूस आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर में आजजी के साथ आते हैं।